सो हे एवरीवन, वेलकम टू एमएस एनसीईआरटी स्टडीज। एंड आज हम दोबारा से आ चुके हैं आपके लिए कंप्यूटर साइंस की एक वीडियो लेके। और आज की इस वीडियो में, ये है हमारी वैसे वीडियो टू कंप्यूटर साइंस की सीरीज में। तो चलो, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं पाइथन को। पिछली वीडियो में आपको ध्यान होगा, हमने बेसिक्स की बताए थे मैंने आपको, ठीक है। छोटी छोटी चीजें बताई थी जो कि कंप्यूटर साइंस में आप एंटर करते टाइम पे देखते हो, पढ़नी चाहिए हमें। तो वो सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में कवर की थी, बट आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पाइथन से स्टार्ट। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। नाउ यहाँ पर है हमारा कंप्यूटर साइंस का ये जो पूरा कोर्स, ठीक है, पूरा कोर्स है जिसके अंदर हम 11th और 12th की पूरी कोर्स को पढ़ रहे होंगे पाइथन के साथ में। तो चलो शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज पाइथन, क्योंकि आप सभी जानते हो हमारे पास क्लास 11th में, ठीक है ना, 11th और 12th दोनों ही क्लासेस में पाइथन है, ठीक है। 11th में पाइथन के छोटी छोटी चीजें हैं, बट 12th में पाइथन के एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं। बट पाइथन को देखने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं पाइथन है क्या, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है, अब पाइथन इज अ जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको कहीं भी डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज पाइथन, डेफिनेशन लिखो, तो ये जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेटली लिख देना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पाइथन इज अ जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखो बहुत सारी चीजें आई हैं यहाँ पे, क्या क्या। पहली चीज है जनरल पर्पस, दूसरी चीज है इंटरप्रेटेड, तीसरी चीज है इंटरैक्टिव, चौथी चीज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पांचवी चीज है हाई लेवल, और पांच चीजें बेसिकली, ठीक है, और छठी चीज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पांच अलग अलग केसेस यहां पर आपको, पांच अलग अलग बातें बताई गई हैं इस लाइन के, इस डेफिनेशन के अंदर। इनको बारीकी से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, एक यहां पर हमारे पास पॉइंट बना हुआ है, पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। ऊपर वाली बातें सारी यहां पे लिख दी। इससे पिछली वीडियो अगर आपने देखी है, नहीं देखी तो जाकर देख लो, जरूरी है। इससे पिछली वीडियो में बताया था मैंने हाई लेवल का मतलब क्या होता है, कि हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस में क्या अंतर है, ठीक है ना। लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या अंतर है, ठीक है, थोड़ा सा एक झलक दी थी। और बताया भी था कि हाई लेवल क्या होता है और लो लेवल क्या होता है। दोबारा बता देता हूं, हाई लेवल लैंग्वेज वो होती हैं जिसमें हम इंग्लिश को यूज कर रहे होते हैं। अब इंग्लिश को यूज करने से मतलब क्या है हमारा, कि यहां पर हम इंग्लिश की वर्डिंग यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैंने पिछली वीडियो में भी दिया था, सेम एग्जाम्पल दे देता हूं जी। प्रिंट, प्रिंट हेलो हेलो, प्रिंट कराना है प्रोग्रामिंग में तो क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा जो यहां लिखा हुआ है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये चीज अब यहां पे देखो, हम जानते हैं प्रिंट का मतलब लिखो, ठीक, इंग्लिश वर्ड है ना, हेलो भी तो इंग्लिश वर्ड है। तो ये क्या है, अब ये जो टेक्स्ट यहां पे स्टेटमेंट लिखा जा रहा है, ये कौन सी प्रोग्रामिंग में लिखा जा रहा है, पाइथन में। अब पाइथन में जब इंग्लिश की वर्डिंग का यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। कौन सी लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और लो लेवल में क्या होता है, जीरो और वन का हम यूज करते हैं, ठीक है, उसे मशीन लैंग्वेज हम बोलते हैं। उसके बाद है इंटरप्रेटर, पिछली वीडियो में भी बताया था, कंपाइलर और इंटरप्रेटेड दो चीज होती है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो चीज होती है। कंपाइलर यूज होता है सी सी प्लस प्लस में, इंटरप्रेटर यूज होता है पाइथन में, ठीक है। तो पाइथन में इंटरप्रेटर क्यों यूज होता है, क्योंकि इंटरप्रेटर बहुत फास्ट होता है, ठीक है, कंपाइलर के मुकाबले इसके काम इफिशियंसी ज्यादा होती है, ठीक है ना। कंपाइलर क्या करता है, एक छोटा सा शॉर्ट दे देता हूं, कंपाइलर क्या करता है, एक साथ आपके पूरे कोड को क्या करता है, रन करता है। जैसे आपने यहाँ पे मान लो ये लाइंस में कोड लिखा, तो एक साथ करेगा। अगर मान लो इसकी थर्ड लाइन में कोई एरर आ गया, तो ये क्या करेगा, पूरा जो सेकंड और फर्स्ट लाइन में जो भी आपने प्रोग्राम लिखा था, उसका रिजल्ट नहीं देगा। ऑन दी अदर हैंड इंटरप्रिटर में क्या होता है, जैसे इंटरप्रिटर की यहां बना लेते हैं जी,
एक दो तीन चार पांच, ठीक है। इंटरप्रिटर में क्या होगा, मान लो यहाँ पे आपकी फिफ्थ लाइन में एरर आया, ठीक है, कौन सी लाइन में एरर आया, फिफ्थ लाइन। अब मान लो आपका फोर्थ लाइन तक कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, फोर्थ लाइन तक वहां पर आपको आउटपुट दे देगा। उधर से रख जाओ, फोर्थ लाइन तक वो आपको आउटपुट दे देगा। तो ये चीज होती है इंटरप्रिटर की, ठीक है। फिफ्थ लाइन में वो जाके रुक जाएगा, बट कंपाइलर क्या करेगा, पूरा ही रुक जाएगा। उसे पहले क्या कहेगा, वो कहेगा कि भैया इस एरर को सुलझाओ, इस एरर को सही करो, करेक्ट करो, उसके बाद मैं आपको आउटपुट दूंगा। बट इंटरप्रिटर फोर्थ लाइन तक आउटपुट दे देगा, फिफ्थ लाइन पे आके रुक जाएगा, भाई इसे सही कर दो, उसके बाद आउटपुट ले लो, ठीक है। नाउ उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसमें क्लासेस का भी यूज होता है, मतलब ये जो पाइथन है इसमें हम क्लासेस का भी यूज कर सकते हैं, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी ये है। पाइथन इज डिजाइन टू बी हाईली रीडेबल, यस, पाइथन एक बहुत ही रीडेबल लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आप एक एक्स डेवलपर ने, ठीक है, एक कोई डेवलपर है, उसने यहाँ पर कोड लिख दिया ढेर सारा, ठीक है। अब आपने इस कोड को देखना है, इस कोड को समझना है, तो बहुत इजीली समझ जाओगे, क्योंकि इस जो पाइथन है ना, पाइथन बहुत ही इजीली है, रीडेबल है, क्योंकि इसमें इंग्लिश यूज हो रही है अच्छी सी लेवल पे। मान लो अब किसी ने लिखा प्रिंट हेलो, आप भी समझ गए ना देख के, हाँ प्रिंट, किसी ने प्रिंट करा है, क्या करा है, हेलो कराया, ठीक है। थोड़ी बहुत पढ़ लोगे तो समझ जाओगे, अच्छा ब्रैकेट के अंदर है ये, डायरेक्टली अगर इन्वर्टेड कॉमा लगा दी, हाँ ये टेक्स्ट बन जाएगा, यानी ये क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अगर आप ये चीज पढ़ लोगे तो और अच्छे समझ जाओगे। तो पाइथन क्या है, बहुत ही इजीली रीडेबल है, ठीक है। इसमें कमेंट का भी यूज होता है, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है ना, कमेंट भी इसमें हम यूज करते हैं, ताकि और भी जो हमारे कोड की रीडेबिलिटी है वो और भी बढ़ाई जा सके। एक सेकंड, पहले इस कैनवास को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यस। नाउ आगे चलते हैं, इट यूज इंग्लिश कीवर्ड जो कि मैं बता चुका हूं फ्रीक्वेंटली, वेयर एज अदर लैंग्वेज यूज पंक्चुएशन, ठीक है। तो पंक्चुएशन यूज करती है अलग लैंग्वेज, बट ये क्या करती है, इंग्लिश कीवर्ड्स को यूज करती है, जिससे कि क्या है, इसकी जो रीडेबिलिटी है ना, बहुत मस्त हो जाती है, इजीली समझ में आता है बेसिकली, ठीक है। एंड इट हैज अ फ्यू सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्शन एंड देन अदर लैंग्वेज, ठीक है। तो ये चीज है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पाइथन है बहुत मोस्ट पॉपुलर, इसीलिए आप भी सीख रहे हो, अगर आप 11 12th में हो तो आपके कोर्स में, बट अगर आप 11 12th में नहीं हो और इस कोर्स को कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप जानते हो पाइथन की पॉपुलरिटी के बारे में। पाइथन आज के टाइम पे वर्ल्ड की बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे पाइथन को यूज किया जा रहा है। अब पाइथन को यूज करने के कारण कई सारे हैं, जो कि अभी थोड़ी देर में कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। बट इतना समझ लो कि पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है इस वर्ल्ड, ठीक है, पहले नहीं थी, पहले नहीं थी, बट अब होती जा रही है। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वॉज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वॉन रेसम, ठीक है। अब ये कौन है भाई, ये देखो फोटो भी लग रही है, ठीक है, ये फोटो भी लग रही है, ये कौन है, ये इसके डेवलपर है। ये जो पाइथन आज आप यूज कर रहे हो, हम पढ़ रहे हैं ना, तो इन्होंने ही, इनकी वजह से ही आज हम पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही डेवलप की थी, यही इसके डेवलपर है। अच्छा ये समझ लिया ना, और ये डेवलप हुई थी 1991 में, ठीक है, 1991 में ये डेवलप हुई थी, और जो इनके डेवलपर हैं ये गए ग्यूडो वॉन रोसम, इनको बारे में आप इंटरनेट पे पढ़ भी सकते हो, है ना, ज्यादा पढ़ना है तो। अच्छा अब यहां पर जो हमारी लैंग्वेज है पाइथन, ठीक है, क्या नाम है, पाइथन, पाइथन नाम ग्यूडो वॉन रोसम ने लिया कहां से, ये एक शो देखते थे मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, इन्होंने इस शो में से ये जो पाइथन है ना, पाइथन वर्ड यूज ले लिया, इनको बहुत अच्छा लगा इस वर्ड में, पता नहीं इनको क्या अच्छा लगा होगा, बट इन्हें अच्छा लगा कि हाँ ये नाम लिया जा सकता है, तो इन्होंने क्या किया, इस लैंग्वेज का नाम ही पाइथन रख दिया, ठीक है। और ये वैसे एक बीबीसी के द्वारा चलाया गया एक कॉमेडी शो था, ठीक है, उस टाइम पर, तो ये बहुत ही पॉपुलर शो था, तो उसमें से जो पाइथन है वहां से ये लिया गया है पाइथन का नाम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहां बात करते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन की। 2 मिनट पहले मैंने अभी बोला था कि पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, बट क्यों है, क्योंकि उसके फीचर्स उस लेवल के हैं। क्या क्या फीचर है पढ़ो, पाइथन प्रोवाइड मैनी यूजफुल फीचर विच मेक इट पॉपुलर एंड वैल्यूएबल फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन
पाइथन सी सी प्लस प्लस से इन सब से बहुत अलग है क्योंकि इसके फीचर्स रिच हैं। इट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजुअल प्रोग्रामिंग अप्रोचेस एंड प्रोवाइड डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। वी हैव लिस्टेड बिलो अ फ्यू इसेंशियल फीचर। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजुअल प्रोग्रामिंग अप्रोचेस, ये अभी आप ना समझो तो ठीक है, बेसिक्स पे ध्यान दो। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा इस लैंग्वेज के अंदर, सीखते जाओगे, समझते जाओगे, इन चीज़ों को भी आप सीखोगे। ठीक है, सबसे पहले इसका फीचर है इजी टू लर्न एंड यूज। सबसे पहला फीचर क्या है? इजी टू लर्न एंड यूज। पाइथन एक बहुत ही इजी लैंग्वेज, बहुत ही कंपैटिबल भी है, आसानी से लोग इसे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है बहुत ही हार्ड लैंग्वेज है, लग रहे हैं बहुत बहुत टाइम लग रहा है सीखने में भी, समझने में भी। बहुत इजी है अगर आप एक रेगुलरिटी से इसके ऊपर मेहनत करोगे, रेगुलरिटी से इसके ऊपर काम करोगे, सीखोगे, वीडियोस देखोगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसमें एक्सपर्ट बन सकते हो। इसका जो सिंटैक्स है वो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और इसमें इंग्लिश की लैंग्वेज यूज होती है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसमें कोई भी सेमी कॉलन का यूज नहीं होता। ठीक है, इसमें इंडेंटेशन का यूज होता है। क्या होती है इंडेंटेशन? वो अभी थोड़ी, जैसे हम कोड लिखेंगे ना, जब प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो वहां पे हम बताएंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या है, इंडेंटेशन ब्लॉक्स का यूज होता है, और ये बहुत ही बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, पाइथन कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क यूजिंग अ फ्यू लाइन ऑफ कोड। अब देखो, जैसे कि अब इसमें लिख रहा है कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, हमने यहाँ पे अगर कुछ प्रिंट कराना है तो सिंपल ही लिखना है प्रिंट, और जो भी आप लिखना चाहते हो, और ब्रैकेट, खत्म, एक लाइन का कोड। बट अगर आप इसी बात को सी सी प्लस प्लस या अदर लैंग्वेज में लिखना चाहोगे तो उसमें आपको 3 से 4 लाइन का कोड जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वहां लिखना ही पड़ेगा, जैसे कि पहले इंट ए इक्वल्स टू जो भी है, फिर आपको नीचे लिखना पड़ेगा प्रिंट। तो ये 2-3 लाइन का तो कोड आपको लिखना ही है, बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, सीधा प्रिंट और जो भी आप वैल्यू देना चाहते हो दे दो। आगे बढ़ते हैं। इट विल टेक ओनली लाइन टू एग्जीक्यूट विद जावा सी मल्टीपल टाइम। इंटरप्रेटर लैंग्वेज, जो कि मैं बता ही चुका हूँ, पढ़ लो एक बार, पाइथन इज एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज। इट मीन पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूट 1 लाइन एट अ टाइम। ठीक है, जैसे कई सारा लाइन है तो एक लाइन एक ही बार में होगी, उसमें अगर एरर आ गया तो वहीं रुक जाएगा, और अगर उससे पहले कोई लाइन एरर नहीं है तो उसका क्या करेगा, आउटपुट हमें देता जाएगा। दी एडवांटेज ऑफ बींग इंटरप्रिटेड, इट मेक डिबगिंग इजी एंड पोर्टेबल। ठीक है, तो ये सारे इसके कुछ फीचर्स है। आगे हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, पाइथन कैन रन इक्वली ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म सच एज विंडो, लिनक्स, यूनिक्स एंड मेंटुक एसेक्टर। देखो, कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है, कई सारी मशीन्स होती हैं, जैसे कि अभी आपने कॉमनली सुनी होंगी विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, मैक। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पाइथन को इजीली रन कर सकते हो, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। सो वी कैन से दैट पाइथन इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज, इट इनेबल प्रोग्रामर टू डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर सेवरल कंपीटिंग प्लेटफॉर्म बाय राइटिंग अ प्रोग्राम ओनली वंस। ठीक है, समझ लो इतना तो। फ्री एंड ओपन सोर्स जो कि पाइथन है, पाइथन के लिए आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, यानी कुछ भी एक्सपेंस खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये फ्री है, डाउनलोड करो। पाइथन इज अ फ्री अवेलेबल फॉर एवरीवन, इट इज फ्री अवेलेबल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। जी हाँ, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.python.org, यहाँ से आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो, यानी अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हो। इट हैज लार्ज कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड दैट इज डेडिकेटली वर्किंग टूवर्ड्स मेक अ न्यू पाइथन मॉड्यूल एंड फंक्शन। अब ये मॉड्यूल एंड फंक्शन क्या है, इसकी मदद से आप अपने काम को बहुत ही ईजी कर सकते हो। मॉड्यूल एंड फंक्शन में क्या होता है कि लोगों ने पहले ही कुछ कोड लिख रखा होता है, एक बेसिक कोड, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, उसे यूज कर सकते हो अपने कोड में अंदर, और उसके आगे कुछ न्यू क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना, तो आपका ये काम आसान करा देता है। जो आपको कोड 50-60 लाइन लिखनी होती है ना, एक बेसिक एक स्ट्रक्चर तैयार करने में, तो वो ऑलरेडी कर रखा होता है। ठीक है, एनी वन कैन कंट्रीब्यूट द पाइथन कम्युनिटी, द ओपन सोर्स मीन एनी वन कैन डाउनलोड इट सोर्स कोड विदाउट पेइंग एनी पेनी। ठीक है, तो इसका सोर्स कोड भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, ओपन सोर्स है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये सपोर्ट करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स को, क्लासेस और ऑब्जेक्ट के। ठीक है, और इसके बारे में हम आगे जरूर पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉरिज्म, एनकैप्सुलेशन, एसेट्रा। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर हेल्प टू प्रोग्रामर टू राइट
रीजनेबल कोड एंड डेवलप एप्लीकेशन इन लेस कोड। अब ये जो चीज़ है ना, धीरे धीरे हम समझेंगे, हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंसिबल इट इम्प्लाइज दैट अदर लैंग्वेज सच एज सी सी प्लस प्लस यूज टू कंपाइल द कोड दस इट कैन बी यूज फर्दर इन अवर पाइथन कोड। इट कन्वर्ट पाइथन इन टू बाइट कोड एंड एनी प्लेटफॉर्म कैन यूज बाइट कोड। ठीक है, तो ये इसके कुछ फीचर है। उसके बाद है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, आप इसके स्क्रीन शॉट ले लो, पढ़ लेना। इसमें बेसिकली क्या है कि आपको बहुत सारी लाइब्रेरी मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे दे रखी है जेंगो, फ्लास्क, प्राइमेट, नमपाई, केरस, पाइटॉर्च, पांडा, टेंसर फ्लो। तो ये सारी क्या है, कई सारी लाइब्रेरीज हैं। जैसे कि जेंगो की बात करें तो ये वेब डेवलपमेंट में काम आती है, ठीक है, और नमपाई की बात करें तो ये मैथमेटिक के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के काम में आती है। तो इनको मदद करने से, अब इनको यूज में लेने से आप क्या करते हो, अपने कोड को इजीली काम कर सकते हो, ठीक है, पाइथन में बहुत इजी काम कर सकते हो। GUI प्रोग्राम सपोर्ट, ये जो है ग्राफिक यूजर इंटरफेस भी, यानी आपको ग्राफिकल यूजर भी आपको प्रोवाइड कराती है। इसके लिए भी आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन इसके थ्रू बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको देख सकते हो फ्रेमवर्क दिए हैं टिंकर, केवी, पाइक्विटी 5 लाइब्रेरीज हैं जिनको आप यूज करके वेब एप्लीकेशन वगैरह बना सकते हो इजीली, ठीक है। तो इसकी मदद से आप क्या, जैसे पाइथन है ना, सी, सी प्लस प्लस और अदर लैंग्वेजेस में ये सारी चीजें नहीं होती, बट पाइथन में ये सारी चीजें हैं, इसलिए ये इतनी क्या है, पॉपुलर है। इंटीग्रेटेड, इट कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड विद अदर लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, रन कोड लाइक लाइन बाय लाइन सी प्लस प्लस, जावा, इट मेक इजी टू डिबग द कोड। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ इसके अच्छे अच्छे फीचर है, पढ़ो समझो। एम्बेडेबल द कोड ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन यूज इन पाइथन सोर्स कोड। वी कैन यूज पाइथन सोर्स कोड इन अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल। इट कैन एम्बेडेड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन टू अवर कोड। नाउ उसके बाद में नेक्स्ट है एंड लास्ट है डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। अच्छा, ये इतने ही नहीं है, और भी हो सकते हैं, बट इस वीडियो में इतने ही हमने शामिल किए हैं, इतने इनफ है। इसमें क्या है, डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन हो जाती है, इसको हम अभी ना छेड़ें तो ज़्यादा अच्छा है ना, बाद में जरूर देखेंगे। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, इनको पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन यानी कहाँ कहाँ ये जो है यूज होती हैं, कहाँ कहाँ पर इनका हम यूज करते हैं, पाइथन को हम यूज करते हैं। नेटवर्क प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस, रोबोटिक, वेबसाइट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, गेम डेवलपमेंट, वेब स्क्रैपिंग, डाटा विजुअलाइजेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, 3D एप्लीकेशन। तो इन सभी जगहों पर हम पाइथन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये सारे क्या थे, फीचर्स थे पाइथन के। आई होप आपको ये जो है पाइथन के सभी फीचर्स अच्छे लगे होंगे, है ना। हमारी ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी। हुई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।